डब्बू बेटा डब्बू डब्बू बेटा घर लौट आइए बेटा, हम और अंत मत देखिए सबका। नहीं नानी, हम अभी नहीं लौट सकते। अगर हम अभी लौटे तो सब सोचेंगे कि पुरानी तपस्या फिर से लौट आई। बेटा आप तो बदल चुकी हैं, हम जानते हैं। आप जानती हैं, लेकिन वो अभी हमें बहुत कुछ करना है। अपनी बेटी का मकसद पूरा करना है, उसे ढेर सारी खुशियां देनी है, मुस्कुराते हुए देखना है। हमारी तो हमारी बेस्ट फ्रेंड, उसका परिवार फिर से लौट आना है, उसके परिवार में उसकी जगह फिर दिलानी है, मान सम्मान के साथ। अभी लौटेंगे ना, हम भी अपने घर पर से लौटना चाहते हैं, लेकिन हम तब लौटेंगे तो पापा हमें अपने गले लगा कर कहे, हमें गर्व है अब पर तपू बेटा, अभी नाज है अपनी दोनों बच्चियों पर। हम जानते हैं वो दिन ज्यादा दूर नहीं है नानी, हम लौटेंगे वापस अपने घर में, अपनी माँ, अपने पापा, अपनी दोस्त के पास। नानी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम वापस अभी लौटेंगे तो पापा हमें माफ कर देंगे, ये प्यार भी करेंगे, लेकिन हमें वैसे माफी और उनका प्यार नहीं चाहिए। चाहते हैं कि वो हमें दिल से अपना है, चाहते वो अपना आशीर्वाद दिल से अपने गले लगाए और गर्व महसूस करें, तब वापस लौटेंगे। बकील, हमको कुछ ना बता वसीयत के बारे में। हम रामखोर बीच में ना बोल, जब बोबा छह गोली दाग दे तुम्हारे काम से निकले। सुन हमारी बात, वसीयत की एक एक पंक्ति पढ़ लो चश्मा लगा के, अगर तू ऐसा रास्ता निकाल कि तलाक भी मिले और जायदाद भी। रामखोर, कानून वानों की घुट्टी मत पिला हमको, हमसे पैसा ले है ना, काम कर। अबे कानून उन काम कर बे को कोई दुगना पैसा देगा, तलक जा काम पे। लेकिन अगर तुम मर गए, अगर तुम मर गए, हमारी तो हमारी जानी है। तपस्या ठाकुर, मैंने सांप के पूछ पे पाव रखा है, काट है पलट के एक दिन, तब जब हमको तलाक है। तुझे मेरी याद नहीं आती तब के लिए।
सबका प्यार मिले। सबसे सम्मान मिले। बस यही चाहती हूँ मैं तब। तेरी बचपन की दोस्त हिचकी यही चाहती है। इच्छा माँ, पापा के लिए जो पास्ता बनाया है वो पैक करें, देने जाना है ना। मैं आती हूँ। चलिए। अब हमो कैमरा लगा के चंदा रानी तुम्हारे खून का अंकल शूटिंग करे। अरे दरवाजा खोलो। मर गए क्या सबके सब? यहां कैसे? अरे ते घर कैसे पहुंची? क्या हुआ पति परमेश्वर जी? क्या हुआ? चंदा दीदी को देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? तुम तो उन्हें ऐसे देख रहे हो जैसे बिजली का झटका लग गया हो। इतने पसीने क्यों आ रहे? टीकम घर से लौटी है, वो भी आज ही, हवाई जहाज से नहीं। थक गई होंगी ना आप, आराम कर लीजिए। तुम भी आराम कर लो। आइए चंदा दीदी, जलपान कर लीजिए। आइए चंदा दीदी, बैठ पानी पीजिए। बहुत थक गई होंगी ना आप, कितनी दुबली हो गई है आप। लगता है गांव में किसी ने ठीक से ख्याल नहीं रखा है। और आप भी ना, आने से पहले खबर दे देती। दिन दहाड़े ही खूबसूरत औरत अगर अकेले सफर करते मिल जाए तो कोई भी अपहरण कर सकता है। है ना पति परमेश्वर जी? I'm gonna go.
अरे जब भागी कैसे वहां से? ये दोनों रखवाली कर रहे थे या पीके पड़े हुए थे? ले लो, दोनों की खाल खींच लूंगा मैं। चंदा का तो कुछ करना होगा। मैं ये बात क्या हुआ पति परमेश्वर जी, बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर। बस फॉर यू पीछे ना, अब तक जहर नहीं मिलाया हमने इसमें। नहीं सोच रहे होगे तुम चंदा यहां तक कैसे पहुंची? सारी बातें यही करेंगे आप? कमरे में बैठकर बात करें? हाँ, कुछ काम था? वो खाना लग गया है, वही बताने आई थी। आते हैं। ठकुराइन, मैं भी माँ हूँ, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। आप बेबी जी को फोन कर लीजिए। नहीं, ठाकुर साहब को अच्छा नहीं लगे। वो क्यों करे मुझसे फोन? हमारी बेटी को तो हमारी कोई चिंता नहीं, वो तो एक बार देखने नहीं आएगी, उसके बिना हम कैसे जी रहे, हम जिंदा भी हैं कि नहीं? क्यों करें हम फोन उसे? ऐसा नहीं कहते ठकुराइन, बच्चे भले ही गलती करें हमें उन्हें माफ करना ही पड़ता है ना? आज मेरी इच्छा इतनी बड़ी हो गई है, उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी मेरे लिए तो वो बच्ची ही है, मेरी छोटी सी इच की, दो छोटियों वाली इच की। हमें भी वही तपस्या याद, छोटी तपस्या, जो गुड़िया के साथ खेला कर परियों की कहानी में उलझ जा करती, हमारी छोटी तपस्या। और याद है दामी, एक बार जब इच्छा और तपस्या कहीं गुम गई थी, और हमने तुम्हारी इच्छा को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन फिर बात में पता चला दोनों तालाब में मछलियां पकड़ने गए। याद है, और जब तपस्या इच्छा को
बचपन में अकेला छोड़ा है। लेकिन अब किस्मत का खेल रही हो, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पास और हमारी किस्मत देखो, हमारी तपस्या हमारे पास, हमारी तपस्या कब आएगी हमारे पास? दरवाजा खुला रखो। बहुत ही आवाज निकल रही है तुम्हें। इतना ही कमीना है तुतेश। मुझे धोखा देकर शादी की तो भी किससे की? वीर की पहली पत्नी जी? चुप। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तेज, क्योंकि इस घर में एक इंसान है जानता है कि मैं किस हाल में थी और कहाँ थी। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो समझिए तेरी गिनती शुरू। अस्यारे नहीं, तुम्हारे बाल काट के जूते का बुरुस बना देंगे हम। बताओ काका बताए, तपस्या को काका बताए, बताओ। कुछ नहीं बताया है। एक और झूठ बोले है ना तो जलती तीली तुम्हारे मुंह में डाल दे। कहा ना कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इतना बताया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और तूने मुझे धोखा दिया। बस वो तो कह रही थी कि तुमने उसे सब कुछ सच बता दिया। चालाक है वो, तुझे अपनी बातों में फंसा लिया है उसने। तेरी दिल में खोट था ना तेज, इसीलिए ऐसा खोटा सिक्का मिला है तुझे। जवान लड़की से शादी करना चाहता अब ले, एक बच्चे की माँ तेरी पत्नी बनकर आई। तुम्हारी तो जवान अब काटनी पड़ेगी। याद रखना, मुझे अगर कुछ हो गया ना तो तपस्या तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू मुझसे दूर। और एक बात, जब तक मैं चुप हूं ना तू इस घर में चैन से रह सकता है, वरना